क्या आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह? आरके सिंह के खिलाफ आरा से चुनाव लड़ने के लिए पवन सिंह के पास क्या है प्लान? चलिए आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि आरा से बिलोंग करने वाले भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा नेता पवन सिंह को भाजपा ने पहली बार बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने आसनसोल की टिकट को ठुकरा दिया और भाजपा के शीर्ष नेताओं को टिकट देने के लिए धन्यवाद कहा। उसके बाद खबरें आ रही थी कि पवन सिंह इस बार लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर खबरें आ रही है कि इस बार उन्होंने ट्वीट कर और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर बताया है कि वो इस बार लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि माँ से किया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगा। लोकसभा चुनाव लड़ने का उन्होंने माँ से किया हुआ वादा पूरा करने का कारण बताया है। तो कहां से लड़ेंगे चुनाव पवन सिंह जी, यही सस्पेंस बरकरार है। अभी तक बिहार में एक भी सीट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और पवन सिंह जी की इच्छा है कि वो बिहार से ही चुनाव लड़ें, इसी वजह से उन्होंने बंगाल वाली आसनसोल सीट को ठुकरा दिया था। और उनका सबसे ज्यादा मन है आरा से ही चुनाव लड़ने का, लेकिन आरा से भाजपा के कद्दावर नेता आरके सिंह जी, जिनकी पैठ पूरे क्षेत्र में मानी जाती है और उनके विकास कार्यों की बहुत ही सराहना की जाती है, आरा से सांसद और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह पहले ही यहां से ताल ठोक चुके हैं और उन्होंने आरा सीट से ही चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। तो कैसे पवन सिंह फिर आरा से चुनाव लड़ेंगे? भाजपा उनकी नाराजगी मोल लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि 2014 के बाद आरके सिंह की काम की वजह से ही आरा सेफ सीट बनी हुई है। 2014 से पहले मीना सिंह जदयू की नेता थी, यहां से सांसद थी, और 2014 से पहले भाजपा के लिए बहुत ही कठिन सीट हुआ करती थी, लेकिन आरके सिंह ने अपने कामों की वजह से आरा को आसान बना दिया है, आरा के भाजपा के लिए सेफ सीट बना दिया है। तो फिर पवन सिंह को कैसे आरके सिंह को रिप्लेस करेंगे, यही देखने वाली बात है। उससे खबर ये आ रही है कि अगर भाजपा आरके सिंह को आरा से टिकट देती है तो पवन सिंह राजद से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही है कि वो लालू यादव और तेजस्वी यादव के संपर्क में है। आपको याद भी होगा कि कुछ दिन पहले उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से भेंट भी किया था। इसके अलावा उन्होंने जदयू से भी भेंट किया हुआ है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जाकर नीतीश कुमार जी को बधाई दी थी और उनसे भेंट किया था। तो वो अपनी तरफ से सेफ खेल रहे हैं और तीनों ही पार्टियां, मुख्य पार्टियां जो भाजपा, जदयू और राजद से संपर्क बनाए हुए हैं। देखने वाली बात है कि पवन सिंह को कहां से टिकट मिलती है। इंटरव्यू भी उनका वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो कहां कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो उसमें उन्होंने बताया था कि आरा से, छपरा से, औरंगाबाद से और दो सीट और बताए थे, महाराजगंज और वाल्मीकि नगर। तो इन सीटों से चुनाव लड़ने के लिए बताया गया था। तो इनमें औरंगाबाद सीट भी चर्चे में है, लेकिन पवन सिंह जी का खुद का मन है कि वो आरा से ही चुनाव लड़े। देखने वाली बात रही कि कैसे वो चुनाव लड़ते हैं। दोस्तों आपके लिए भी एक प्रश्न है, अगर आप आरा से हैं और एक ही सीट से आरके सिंह और पवन सिंह दोनों एक ही सीट से चुनाव लड़ते हैं, एक भाजपा से और एक राजद से, तो आप किसे चुनेंगे कमेंट कीजिए बताइएगा। ये हमारे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी हम आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं कि आप पवन सिंह और आरके सिंह में किसे चुनना चाहेंगे, कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लगे जय श्री राम।